अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद राजस्थान के बैनर तले आज अजमेर के पूर्व सैनिकों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर शिप्रापत थाने में सैनिकों के साथ हुए अपमान और निर्वस्त्र कर मारपीट करने के मामले में पुलिस कर्मियों को बर्खास्त करने की मांग की है। उनका कहना है कि अगर ऐसा नहीं होता तो आगामी 8 दिनों में उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। पूर्व सैनिक सेवा परिषद के पदाधिकारियों का कहना है कि शिप्रापत थाने में तैनात पुलिस कर्मियों ने फौज के जवान का अपमान करते हुए पुलिस को फौज का बाप कहा है। यह देश के लिए गलत बात है। जवान अलग अलग बॉर्डर पर तैनात होती है। जम्मू कश्मीर में तैनात सैनिक अरविंद सिंह अपने परिचित की जानकारी लेने के लिए थाने गए थे, जहां उनके साथ अपमान हुआ और उसके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए निर्वस्त्र कर मारपीट की गई। ऐसे में आरोपी पुलिस कर्मियों पर ठोस कार्रवाई करने की आवश्यकता है। इन पुलिस कर्मियों पर मुकदमा दर्ज कर इन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए, जिससे कि इस तरह की पुनरावृत्ति वापस ना हो। इस तरह की मानसिकता रखने वाले पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की जा सके। ऐसा नहीं होने पर देश भर में सैनिकों में रोष व्याप्त होगा और इसका खामियाजा प्रशासन को उठाना पड़ेगा। आज ऐसा है कि हमारे जो फौजी भाई है साथी अरविंद सिंह जी, जिसका कि जयपुर शिप्रापत थाने के अंदर वो अपने साथी को अरेस्ट कर लिया था, उसके लिए पूछताछ करने गया था। उसी पूछताछ के दौरान उन्होंने कहा भाई इनको क्या कसूर है, इनका क्या छोड़ो क्यों नहीं, तो उनको तो उल्टा उसको हवालात में बंद कर दिया गया और उसके बाद उनके कपड़े नंगे करके, कपड़े उतार के नंगा करके पीटा गया, बुरी तरह से पीटा गया, जिसका उनका मेडिकल भी करवाया। उसके बाद में उसने जो है इस तरीके से पुलिस वालों ने हरकत की, अभद्र व्यवहार किया, जबकि उसने अपने को परिचय भी दिया कि मैं भारतीय नौसेना का हूँ और जम्मू कश्मीर में पोस्टेड हूँ। उसके बावजूद भी उसको इतना मारा पीटा, ये हालत ख़राब कर दी। उसके बाद पुलिस वालों ने ये बोला गया जो वहाँ का थानेदार सब इंस्पेक्टर मन्नालाल कि हम पुलिस वाले सेना के बाप हैं, वो हमारे पुलिस वाले सेना के बाप कब से हो गए हम ये जानना चाह रहे हैं। और हमारे सैनिक कल्याण मंत्री ने श्री राज्यवर्धन सिंह जी, कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी ने संज्ञान में लिया और उनको जो दोषी पुलिसकर्मी थे उनको जो है पुलिस लाइन हाजिर किया, लेकिन हम उनकी सजा पुलिस लाइन हाजिर करना ही नहीं है। आज हम पूर्व सैनिक का अपमान सहन नहीं कर सकते और हम आज उनको कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है कि उनका 48 घंटे के अंदर संज्ञान लेकर के उनको तुरंत अरेस्ट करें और उनको बर्खास्त करने की कार्रवाई की जाए।